Okay, class. So we were having the same chapter. Okay. So we were on air around us, and we already have studied up to the composition of air. We understood that air is having various air is a mixture of many gases. And you understood that what are the various amount of gases which are present in air? Which is the most abundant gas in air? With that percentage? Nitrogen. Yes, nitrogen. And what is nitrogen? Yes, nitrogen. And what is the percentage of nitrogen? 78%. Okay, this was the percentage of nitrogen. You have studied that water vapor are present in air, oxygen is 21% in air, and you have studied about carbon dioxide and dust and smoke. So these are the various amount of gases which are present in the air. Now today we are going to study about various uses of air. So this was a composition chart. आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे. This was a composition chart. Composition of air is very important, right? Composition of air is very important. In which you can understand that nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, other gases are present under 1%. और पूरे 99% में कौन कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? यस मैम. Anyone is having any doubt? No, ma'am. Okay, wait. So you can see on the screen uses of air. Air exerts force on objects that comes in its ways. This property of air is quite useful. Anybody can tell me that how air exerts force? आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा जिसपे एयर फोर्स लगाती है? Yes, ma'am. Can you explain? बताइए. फिरकी. व्हाट हैपन फिरकी में क्या होता है? एनी वन एल्स? सो यू नो दैट फन लाइक फिरकीज पिन व्हील इज बेस्ड ऑन द फोर्स अप्लाइड बाय एयर. अगर आप लोगों ने कितनी बार पेपर से फिरकी बनाई होगी एंड यू हैव मेड ब्लेड्स ऑफ यू नो विद द हेल्प ऑफ पेपर यू हैव मेड द फिरकीज. आप यहाँ पे फिरकी देख सकते हो. इस फिरकी में आपने देखा है यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स और व्हाइट डॉट्स वाली फिरकी आप देख सकते हो, ये आप लोगों ने बनाई है पेपर से. तो अगर आप इस फिरकी को लेके जाते हो जहां पे मूविंग एयर चल रही है या विंड चल रही है, तो ऐसी जगह पे आप देखते हो कि अपने आप ये जो ब्लेड्स होते हैं वो हिलने लग जाते हैं. और अगर आप अपने कमरे में इसको लेके बैठोगे जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर नहीं है, तो वहां पे यह फिरकी घूमेगी? नो मैम. यस इट मींस यू आर राइट. व्हेन द ट्री शेक्स, जब ट्री में हवा से जो पत्तियां होती हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, दैट ऑल बिकॉज एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स. जो एयर होती है वो ऑब्जेक्ट पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से या तो वो नीचे गिर जाते हैं या फिर लाइक दिस फिरकी वो रोटेट होना शुरू कर जाते हैं. ओके, आफ्टर दिस वी अंडरस्टूड एयर हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग यार्ड, स्लाइडर, पैराशूट एंड एयरक्राफ्ट. अगर एयर नहीं होती तो क्या आप लोग पैराशूट उड़ा सकते थे या आप लोग एयरक्राफ्ट उड़ा सकते थे? यू कैन अंडरस्टैंड राइट. बिना एयर के आपके बलून्स भी फ्लाई नहीं करेंगे और बिना एयर के आपके एयरक्राफ्ट. वेरी गुड. इफ एयर इज एब्सेंट यू कैन नॉट फ्लाई योर काइट ऑल्सो. नेक्स्ट, एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पॉलिंग्स ऑफ फ्लावर. जो एयर होती है वो क्या करती है? वो हेल्प करती है सीड को फैलाने में. और आपने फ्लावर के बीच में देखा होगा ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं. फ्लावर अगर किसी फूल को देखोगे तो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक जैसे सीड दिखते हैं आपको. ओशन की रिप्रोडक्शन. वेरी गुड.
सो आई कैन शो यू शो इट हियर. तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे यहाँ पे ये जो फ्लावर की लीव्स होती हैं, इन लीव्स के बीच में यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक कलर के क्या दिखते हैं, पॉलन ग्रेन्स. जो सीड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स. तो जब एयर चलती है, जब एयर बहुत तेजी स्पीड में चलेगी, मूविंग एयर क्या करती है, इन पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से अपने साथ ले जाकर नीचे सॉइल में गिरा देती है. ठीक है, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉइल के अंदर बरी हो जाते हैं और क्या हो जाता है, वापस से एकदम बीज गड़ जाएगा और एक न्यू फ्लावर और न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये कैसे हुआ, ये जो डिस्पर्शन हुआ, यानी कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किसने हेल्प की, एयर. वेरी गुड, विच हेल्प्स, एयर हेल्प. वेरी गुड. नाउ आफ्टर दिस यू कैन सी कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स. आप लोग जानते हो कि जो कंप्रेस एयर होती है उसको आप किसके अंदर डालते हो, आप लोगों ने कभी टायर देखे अपनी गाड़ियों में, टायर? यस मैम. आपने कभी अपनी साइकिल का टायर या फिर अपने स्कूटर का या स्कूटी का, बाइक का टायर या कार का टायर देखा है? यस मैम. उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एयर. उसके अंदर एयर. अब उस एयर को कैसे अंदर भरा गया होगा, वेरी गुड, बाय कंप्रेसिंग इट. जब आप लोगों ने देखा है जो आपके पास साइकिल में जब हवा डलाने जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, पंप से प्रेस करके यू नो प्रेशर के थ्रू एयर को क्या करते हैं, टायर के अंदर इन्फ्यूज करते हैं, डालते हैं. तो जो एयर होती है वो भरती चली जाती है कम स्पेस में. दैट इज वाई दैट एयर इज नोन एज कंप्रेस्ड एयर. उसको आप क्या करते हैं, छोटी सी जगह में काफी सारी एयर भरते हैं. यस यस. So you understand that compressed air is used in tires of vehicle. अगर air नहीं होती तो क्या आपके tire चलेंगे road पे? No ma'am. No ma'am. So you can understand the importance of air. समझ में आ रहा है कितना important है air? Yes ma'am. Next important thing is nitrogen is used on a large scale to manufacture fertilizer. आपको पता है कि एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है. तो नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है, नाइट्रोजन इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर. आप लोग देखते होंगे जो फार्मर्स होते हैं वो खाद का यूज करते हैं. ठीक है, वो अपनी फील्ड में क्या डालते हैं, यस, तो वो अपनी फील्ड में क्या डालते हैं, वो खाद डालते हैं. तो दैट फॉर मेकिंग दीज फर्टिलाइजर्स हमें कौन सी गैस की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की. क्लियर? यस. सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट्स आर विनोइंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एयर. आपकी मम्मी जैसे कभी आपने देखा होगा सूप में गेहूं फटकती है या चावल को साफ करती है, जैसे जितनी डस्ट पार्टिकल्स या जितना यू नो हस्ट होता है या जितना भी कीड़े वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, झटक के दूसरी तरफ हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर. एयर क्या होता है, एयर क्या होता है, एयर जो होता है वो लाइट पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल में से अलग कर देती है. लाइट पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के अलग जगह ले जाती है और हैवी पार्टिकल्स क्या रह जाते हैं, वो उसी सूप में रह जाते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्लेइंग सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए आपको एयर की जरूरत होती है. अगर एयर नहीं होगी तो आप वो वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते. कैन यू नेम एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट. फ्लूट, वेरी वेरी गुड. एनी अदर, फ्लूट के अलावा और भी पता है, कितने लोग शादी में जाते हैं तो आप लोग देखते हैं जो बैंड वाले होते हैं वो लोग शहनाई बजा रहे होते हैं. उसमें वो क्या करते हैं, बड़े बड़े शहनाई, उसमें आप लोग क्या करते हैं, अपने माउथ से हवा को इन्फ्यूज करते हैं, हवा डालते हैं तो उसमें से बाहर आवाज निकलती है. या आप लोगों ने माउथ ऑर्गन के बारे में सुना है, तो ये माउथ ऑर्गन, फ्लूइड एंड शहनाई, ऑल दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीड्स व्हाट, दे नीड एयर. उन्हें क्या चाहिए, यस मैम, बांसुरी भी. बेटा बांसुरी को ही फ्लूइड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो फ्लूइड, बांसुरी, मतलब फ्लूइड का मतलब होता है बांसुरी, माउथ ऑर्गन, शहनाई, और आपने वो बड़े बड़े वैसे वाले भी देखे हुए जिसमें
हवा भर के आवाज निकलती है जो बैंड वाले लोग बजाते हैं, तो ऑल दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीड एयर। ठीक है, अगर एयर नहीं होगी, अगर आप उसमें हवा नहीं डालोगे तो क्या बांसुरी बजेगी? नो मैम। बांसुरी में से कोई आवाज आएगी क्या? नो मैम। यस मैम, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स, बैट्स एंड मेनी इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। अगर हवा नहीं होगी तो क्या बर्ड या फिर आपने देखा है चमगादड़ जिसको बैट्स बोलते हैं, कॉकरोचेस, क्या ये लोग उड़ पाएंगे? नो मैम, दे कांट फ्लाई बिकॉज दे नीड एयर। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, तभी कोई भी चीज फ्लाई कर पाएगी, और अगर एयर नहीं होगी तो वो फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी कैन नॉट हियर द साउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और यूज ऑफ एयर। अगर आपके चारों तरफ एयर नहीं होगी तो जो साउंड होती है, जो आप मतलब साउंड एनर्जी जो होती है वो पास नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? एयर चाहिए। समझ में आया? यस मैम। कितने लोगों को समझ में आया? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर प्ले वेरियस इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, एयर में जितनी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं वो सभी तो एयर का पार्ट है, तो आपके चारों तरफ एयर मतलब वो सारी की सारी गैसेस भी अलग अलग रोल प्ले करती हैं। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पड़ती है? रिस्पिरेशन में पड़ती है। आपको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए। सिमिलरली क्लोरीन गैस हमें नाइट्रोजन चाहिए हमें फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, क्लोरीन गैस हमें वाटर को क्लीन करने के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन आप लोग खाते हो, आयोडीन इज ऑल्सो यू नो फॉर्म ऑफ अ गैस। तो ये सारी चीजें भी आपको वेरियस सारी जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं उनके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। तो हर जो एयर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में। समझ में आया बच्चे? एवरीवन गॉट इट? यस मैम। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट एयर सपोर्ट्स लाइफ। जो एयर होती है, एयर क्या करती है, वो आपकी लाइफ को हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए। वी ऑल नीड एयर टू सर्वाइव। हम सबको जीने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर में ऑक्सीजन होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि यूजफुल होती है प्लांट्स और इसके लिए एनिमल्स के लिए। प्लांट्स, यस वेरी गुड। सो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट, यस आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं। अच्छा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एनीबडी नो? मैम, द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यस मैम। ओके, और ये प्रोसेस कब हो सकता है? मैम, व्हेन देयर इज सनलाइट। व्हेन देयर इज द सनलाइट विद द वाटर एंड गुड टेंपरेचर। वेरी गुड। सो यू ऑल नो दैट प्लांट्स खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, एंड फॉर मेकिंग फूड दे नीड एयर, वाटर, अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट, राइट? अब वाटर तो उनको सॉइल में से मिल जाता है, लेकिन एयर कहाँ से मिलती है? एयर मिलती है एटमॉस्फेयर से। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, बुक में बना हुआ है। आई विल मेक दैट डायग्राम ऑन पेंट, जस्ट वेट। आपने अगर लीव्स देखी हो तो ये लीव्स होती हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि फूड कहाँ बनता है? लीव्स के थ्रू बनता है। ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है। अगर आप इस लीफ की ऊपर वाली लेयर को हटा दें तो
आप तो आपने कभी देखा है कि आपने अगर लीफ तो कहीं पास देखो तो उसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो ऐसे कुछ पार्टीशन 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 आपको दिखेंगे। अगर आप कोई आपके घर के पास की लीफ हो तो आप कोई बहुत पतली सी थिन जो लीफ होती है ना, बहुत थिन पतले पत्ते वाली लीफ जो होती है, आपको उसमें ही आराम से देखने को मिलेगा। तो यू कैन सी दैट इन सारी लीफ के बीच में ऐसे स्मॉल स्मॉल से पोर्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में स्मॉल स्मॉल से पोर्स होते हैं और इन पोर्स को बोलते हैं स्ट्रोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमेटा। जैसे ह्यूमंस में नोज होती है, आपके फेस पे नोज होती है, जिससे आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कौन सी गैस को? यस, यू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वन साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करते हो। सिमिलरली इन स्ट्रोमेटा में से ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं, लीफ के पास नोज नहीं होती है, लीफ के पास ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमेटा। इन स्ट्रोमेटा में क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम में जब दिन हो रहा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन को। यस, तो दे टेक दे यू नो इनहेल बाय दीज स्टोमेटा, ये जो स्मॉल पोर्स लीफ के ऊपर होते हैं इनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, यू नो इनहेल करते हैं और अपना खाना बनाते हैं इन द लीफ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर ही होता है, क्लोरोफिल और एयर में से कौन सी गैस को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस को लेंगे एयर में से? विच गैस? आंसर इट मैम, प्लांट्स कौन सी गैस एयर में? ऑक्सीजन नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं आपने? डे टाइम में, दिन में जब सनलाइट होती है, जब डे टाइम में सनलाइट होती है तो प्लांट्स हमेशा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यू नो इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं। ओके, यस, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं। समझ में आया? तभी तो आपको ऑक्सीजन मिलती है प्लांट से। दिन में आप लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हो? प्लांट से ही तो लेते हो। यस, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और प्लांट्स के पास तो प्लांट्स कहाँ से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं? पोर्स, किसके थ्रू इनसाइड वो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम विच पोर्स? उन पोर्स को क्या नाम बोलते हैं? स्टोमेटा। वेरी गुड। सो यू कैन सी द डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। यू कैन सी द डायग्राम, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। यस बेटा, मैम दैट इज स्टोमेटा। यस, यू कैन सी आई एम शोइंग द एरो ओवर स्टोमेटा। ये जो स्मॉल पोर्स है, ये दिस इज अ वेरी स्मॉल पोर, टाइनी पोर विच आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ अ लीफ। लीफ के अंडर साइड में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। और ये पोर्स जो होते हैं वो खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। दे ओपन व्हेन द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, CO2 जैसे ही वो ले लेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जब उसके बाद वो अंदर लेने के बाद जब CO2 वो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल रहे हैं, क्या समझ में आया? तो दीज पोर्स ओपन्स व्हेन द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड दीज पोर यू नो गेट क्लोज, थोड़ी देर क्लोज जाएंगे फिर ओपन होंगे ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालने के लिए। सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीव। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंटर द प्लांट थ्रू दीज ओपनिंग्स वेयर इट गेट यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग के लिए और खाना बनाने के लिए जो प्लांट होता है वो कहां से गैसेस को लेता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है? टाइनी पोर्स में, जिसका नाम होता है स्टोमेटा। वेरी गुड। आफ्टर दिस यू कैन सी एनिमल्स ऑल्सो नीड यू नो एयर। एनिमल्स को भी जीने के लिए, फॉर द सर्वाइवल एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी वेरियस एनिमल्स आर हियर, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, अर्थवॉर्म, सो मेनी इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो टेकिंग एयर फ्रॉम दिस एटमोस्फेयर। सो इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स नीड टू रिस्पायर।
हर एनिमल को जीने के लिए रेस्पिरेशन करना होता है, ठीक है। आपको पता है कि आपको ऑक्सीजन गैस, अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे तो यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव। तो ऑल एनिमल्स नीड टू रिस्पायर, बी इट अ कॉकरोच, अ फिश और एन एलिफेंट, या तो चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो वॉटर में रहने वाली फिश हो, या फिर कोई एलिफेंट हो, सारे एनिमल्स को क्या चाहिए, रिस्पिरेशन करना होता है, उसके लिए चाहिए होती है एयर। इट इज जस्ट दैट दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म फॉर रिस्पिरेशन। हर एनिमल के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं क्या करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए, और अलग तरीका होता है। जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स रिस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से करते हैं? मैम नो वेट 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 वेट